Madriga Pulomaya Sirintija Varapradi Aparati Dirikti Dikta Tattadangulinake Sadakari Satiyama Kripakataksa Bhajanam Maheshwari Kriyeshwari Sureshwari Sureshwari Sriveda Bharati Swari Ramayana Sasaneshwari Rameshwari Kameshwari Sakananeshwari Sureshwari Prajadike Sriradike Namastute Sriti Madhuta Stavam Nisamya Bhanu Nandini Karotu Santa Tapjanam Kripakatakshabhajanam Bhaveta Daiva Santita Sri Rupa Karma Nasanam Seta Dabra Jendra Kusna Mandala Pravetanam Sadakari Satiyamam Kripakatakshabhajanam Sadakari Satiyamam Kripakatakshabhajanam Jaya Radhe Jaya Krishna Jaya Radhe Jaya Krishna Jaya Radhe Sab taal bajate hue Jaya Radhe Lagta hai tum so gaye Jaya Radhe Jaya Krishna Jaya Radhe Jaya Krishna Jaya Radhe हरे कृष्णा। हम इससे पहले राधा स्थान है, इससे पहले हम कहाँ गए थे? नंद भवन, जहाँ हरि बोल। हरे कृष्णा। सभी लोग जानते होंगे कि कृष्ण का जन्म कहाँ हुआ था? हरि बोल। हरे कृष्णा। देखो, हम गुरु वैष्णव के अनुगत में यहाँ पर ब्रज 84 कोस की परिक्रमा कर रहे हैं, तो हमें वैष्णव के अनुगत में पता लगता है कि कृष्ण भगवान का जन्म कहाँ हुआ है, क्योंकि अधिकतर लोग 99% लोग ये जानते हैं कि कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ है, लेकिन मथुरा में कृष्ण भगवान का जन्म नहीं हुआ। वहां क्या हुआ है? आविर्भूत हुए हैं भगवान। किसके गर्भ से? देवकी मैया के गर्भ से। और जिस स्थान पर हम अभी दर्शन करके आए नंद भवन, वहां पर कृष्ण भगवान ने यशोदा माता के गर्भ से जन्म लिया है। जन्म अर्थात नाड़ी छेदन, शास्त्र बोल रहे हैं। हम किसकी बात का संपूर्ण रूप से विश्वास करेंगे? शास्त्रों की बात को, क्योंकि शास्त्र कोई साधारण पुरुष के द्वारा लिखा हुआ नहीं है, शास्त्र है भगवान के द्वारा लिखा हुआ, भगवान के द्वारा बोला हुआ, तो हम शास्त्रों को ही मानेंगे। जिस प्रकार छोटा सा उदाहरण, अगर किसी डॉक्टर को हम कोट पैंट उसका जो ड्रेस है वो पहनने के बाद बोलेंगे कि डॉक्टर है, नहीं, लेकिन जब तक उसकी हम डिग्री नहीं देख लेंगे तब तक हम उसको डॉक्टर नहीं मान सकते। इसीलिए शास्त्र बोल रहे हैं कि कृष्ण का जन्म गोकुल में हुआ, गोकुल में उनका नाड़ी छेदन हुआ, यशोदा मैया के गर्भ से हुआ। और जिस स्थान पर हमने दर्शन किया था, वहां पर नंद बाबा अपने दातुन साफ, मतलब दातुन से मंजन, मतलब मंजन करते थे, वहां पर अपने दांत साफ करते थे उसी स्थान पर। और वहीं पर ही नंद बाबा के जो भी
सगे संबंधी थे उनकी सबकी हवेलियां वहीं आसपास में ही है। वहां पर एक सबसे महत्वपूर्ण लीला हुई दीपावली के दिन, जो कि कार्तिक में आती है। वहां पर यशोदा मैया की जितनी भी जो काम करने वाली गोपियां थी, जो काम करने वाली स्त्रियां थी, वो सब उस दिन छुट्टी पर चली गई थी। यशोदा मैया ही नहीं, उनको वहां पर भेज दिया था कि आप जाइए और अपने जो उत्सव बनाइए। तो उस दिन यशोदा मैया सुबह जल्दी उठकर कृष्ण के लिए मक्खन बनाती है, मक्खन तैयार करने के लिए बिलोती है। उसी समय कृष्ण भगवान अपने पलंग से उठकर मैया के पास आते हैं, मैया को बोलते हैं, रो रो कर आते हैं और बोलते हैं मुझे दुग्ध पान कराओ। उनको मैया दुग्ध पान करवाती है। तो कृष्ण को यशोदा मैया दुग्ध पान करवा रही है, क्या करवा रही है, उनको दूध पान करा रही है। उसी समय जब देखा यशोदा मैया ने कि चूल्हे पर दूध उफन रहा है, तो उसी समय यशोदा मैया ने वहां पर उनको नीचे रख दिया, नीचे बिठा दिया कि बैठो यहाँ पर, और उन्होंने दूध को संभालने के लिए चले गए। तो उसमें यशोदा मैया की भावना क्या है कि वो जो दूध है वो अभी अगर उफन के गिर गया तो वो सेवा में नहीं लग सकता, कृष्ण की सेवा में, इसीलिए उसको बचाने के लिए उनका जो दूध उफन रहा था उसको उन्होंने बचाया। क्योंकि कृष्ण को तो बाद में भी दूध पिला सकती है, लेकिन कृष्ण भगवान नाराज हो गए और रोकर बाहर चले गए और वहाँ पर चुपचाप उखल पर चढ़कर और माखन की चोरी करने लगे। वहाँ पर बंदरों को, कौओं को, इत्यादि लोगों को माखन चोरी करके खिलाने लग गए। और वहाँ पर जो आपने उखल के दर्शन करे थे वहीं पर ही यशोदा मैया ने उनको उखल बंधन किया था, वहीं पर ही बांधा था। तो ये वहाँ की सारी लीला है। वहाँ पर ही कृष्ण भगवान ने सबसे पहले पूतना का वध किया था, फिर शक्तासुर का, फिर तृणावध का, ऐसे करके वहाँ की सारी लीलाएं हैं। अभी हम लोग जिस स्थान पर है उस नाम का है रावल, राधा रानी का जन्म स्थान। हमारे महाराज जी उनके विषय में कुछ बताएंगे आपको, आप सुनिए। हरे कृष्णा। हरि प्रभु जी ने एक अच्छा प्रश्न उन्होंने उठाए। अगर आप लोग भागवत ग्रंथ पढ़ो ना, जितने जगत में जितने कथा करने वाले होंगे, बताओ कृष्ण कहाँ जन्म हुए, कहाँ की बात बताते हैं? मथुरा की। लेकिन कृष्ण मथुरा में जन्म हुए ही नहीं, कृष्ण जो जन्म हुए गोकुल में जन्म हुए। इसलिए कहते हैं ना, नंद के आनंद भयो, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया। आनंद किसको भयो? वसुदेव को भयो ना, नंद को भयो। आप लोग इसलिए ये रहस्य को अच्छी तरह से समझो। ये क्या रहस्य? बड़ी गहरा रहस्य सुनिए, हैं? इसे पीछे बड़ी गहरा रहस्य है। कहते जो वसुदेव महाराज ये पूर्व जन्म में प्रिश्नी और सुतबा थे, ये दोनों ने बड़ी कठोर तपस्या की। जब भगवान संतुष्ट हुए विष्णु, बोले वर्मा गो, बोले प्रभु आप जैसे हमें एक लाला चाहिए। भगवान ने कहा भैया मेरे जैसे तो कोई लाला होते ही नहीं, मेरे जैसे तो मैं, इसलिए कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लाला बन करके आ जाऊँगा। जो नंद और यशोदा, हाँ कहते ये पूर्व जन्म में, ये नंद यशोदा पूर्व जन्म में द्रोण और के धरा थे, ये भी ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या थी। जब तपस्या की तब ब्रह्मा संतुष्ट हुए, बोले ब्रह्मा को, बोले हम चाहते हैं, वसुदेव महाराज ने क्या मांगा, आप जैसे पुत्र चाहिए। लेकिन ये जो द्रोण और धरा उन्होंने क्या मांगे, बोले प्रभु जैसे स्वाभाविक रूप में माँ के पेट से एक बच्चा जन्म लेता है, हैं, जैसे उनकी नाड़ी छेदन होती है, जैसे उनको पल्ले में झुलाती हैं, जैसे उनको स्तन पान करते, मेरे को ऐसे चाहिए। ब्रह्मा जी उन्होंने तथास्तु कर दी। तो तथास्तु बोल दिए, अब ये दोनों की इच्छा पूरी करना पड़ेगा, ये दोनों की इच्छा पूरी करना पड़ेगा। इसलिए भगवान कृष्ण को मथुरा में प्रकट होते हुए दिखाए। क्या हुए? माता कि किस किसने बच्चे जन्म दिया, हाथ उठाओ तो कौन कौन माता है, अरे हाथ उठाओ। मैं एक अच्छी चीज़ समझाना चाहूँगा। हाँ देखो ये चीज़ समझो, जब कोई बच्चा जन्म लेता है ना तो उसको नाड़ी काटी जाती है कि नहीं? होती है ना। लेकिन देवो की वसुदेव को जन्म हुए नाड़ी काटी है? नहीं। भागवत सुने हैं ना, जिस समय भगवान प्रकट हुए, पहले जन्म नहीं हुए, भगवान पहले चतुर्भुज रूप में कंस की कारागार में प्रभु चतुर्भुज रूप में दर्शन दिया, दिया कि नहीं दर्शन? बच्चा कभी दर्शन देता है चतुर्भुज रूप में? इतने में श्री भगवान ने
तो देवकी वसुदेव बोले आप तो हमने पुत्र रूप में मांगा था, पुत्र रूप में मांगा था, आप तो ये चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए हो। बोले देखो अभी मैं एक छोटा बालक बन जाऊंगा, अभी मैं एक छोटा बालक बन जाऊंगा और मेरे को तुम यहाँ से ले करके गोकुल में रख करके आ जाना है। इतना बोले, इतना बोलते ही जो चतुर्भुज रूप में जो दर्शन दिया था झट एक छोटा बालक हो गया। जो चतुर्भुज रूप में दर्शन दिया था ना झट उसने छोटा बालक बन गए हैं। ये तो हो गया मथुरा की। अभी ब्रज की कथा सुनो, ब्रज की कथा। आप बोले कि भैया आप कहाँ कृष्णा जो जन्म हुए गोकुल में, यहाँ प्रमाण कहाँ है? देखो भागवत में चार पांच श्लोक उदाहरण देता हूँ। पहला जो श्लोक है, जब ब्रज कृष्णा रास से जब अंतर ध्यान हो गए, जब ब्रज गोपियाँ बैठ करके कीर्तन गा रही थी, ये गोपी गीत का पहला श्लोक है। किसको पता है पहला श्लोक? पता है आपको? पता नहीं। देखो श्लोक बोले जयति ते भिकम जन्मना ब्रज। ये कौन कह रही है? राधा रानी ब्रज गोपियाँ। जन्मना ब्रज, कृष्ण कहाँ जन्म हुए? ब्रज में जन्म हुए। कौन कह रही है? राधा रानी कह रही है। देखो जब श्री सुखदेव गोस्वामी जब नंद महोत्सव को वर्णना कर रहे हैं, ये 18 श्लोक में उन्होंने नंद महोत्सव अच्छे तरह से चीज को समझो, 18 श्लोक में उन्होंने नंद महोत्सव को उन्होंने वर्णना किया। नंद महोत्सव का जो पहला जो श्लोक है, बोले नंदस्तु आत्मज जाता लाज महामना। नंदस्तु आत्मज, क्या कह रहे हैं सुखदेव? नंद का जो आत्मज, आत्मा जो जो जन्म हुआ है कौन है? श्री नंद लाला श्री कृष्ण कन्हैया। इसलिए हम क्या कहते हैं? नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल। अभी वसु श्री गर्गाचार्य जब कृष्ण का नामकरण करने के लिए आए हैं, कृष्ण का नामकरण करने के लिए आए, वो नामकरण करते हुए क्या कह रहे हैं? देखो कहते हैं श्री नंद बाबा तुम्हारे जो बेटा है ना हैं, कहते क्वचित जात तवात्मज, ये बेटा तो तुम्हारा है लेकिन ये जो पूर्व जन्म में कोई वसुदेव का भी बेटा हुआ है इसलिए इसका एक वासुदेव ही नाम रहेगा, लेकिन ये बेटा किसका है? कहते बेटा तुम्हारी बेटा है। ये कौन कह रहे हैं? श्री गर्गाचार्य कह रहे हैं। ब्रह्मा भागवत में जो ब्रह्म स्तुति का जो प्रथम श्लोक है, कहते नव मिड्यते अभ्रवपुषे तड़ितम्बराय। ब्रह्मा कह रहे हैं वो क्या करे अंतिम समय में, ये कौन है? कहते पशुपांगजाय। पशु पर मतलब जो गैया को चलाने वाले, चराने वाले कौन है? वसुदेव महाराज चलाते ना, नंद बाबा चलाते थे पशुओं को, गैया को नंद बाबा चलाते थे। कहते ये कृष्ण कौन है? बोले पशुपांगजाय। पशुप मतलब जो पशु को पालना करे उनका अंग जो प्रकट हुआ। देखो इसकी बड़ी सुंदर कथा सुन लो। कहते श्री नंद बाबा का जो, नंद बाबा के जो पिताजी जिनका नाम था परजन बाबा, कहते इनके पांच बेटे थे। कितना बेटे थे? पांच। सबसे जो बड़ा बेटा था उपानंद, फिर सुनंद, अभिनंद, नंदन करके पांच बेटे थे। जब श्री परजन बाबा, पहले नियम ये होता था 50 साल के बाद में कोई घर में नहीं रहते थे। कहते 25 साल ब्रह्मचर्य, 25 साल तक गृहस्थ, उसके बाद में घर में रहने के लिए मना किया है। देखो जो अंक आता है ना एका बन, क्या आता है? एका बन मतलब घर में नहीं, वृंदावन जो भजन करने के लिए। बांग बन, चौ बन, ये बन बन शब्द आता है, घर में नहीं जाओ वृंदावन भजन करो, मना करता है। इसलिए बोले 50 रुधे वनम ब्रज, उसके बाद कहते उनसठ, क्या आता है? उनसठ, फिर सठिया बन जाओगे तेरे से कुछ नहीं होगा। 60, 61, 62, फिर सठिया बन जाओगे, लेकिन इनका कल्याण भी हो सकता है। बोले अनहत्तर, क्या कहते हैं? अनहत्तर, 70, 71, इतर तर शब्द तो भैया तर हो, तब कैसे तरोगे? गोस्वामी जी कहते हैं सठ सो धरे सत सत पाए। ये सठों का कल्याण भी हो सकता है अगर कभी इनके सत्संग अगर मिल जाए तो, तभी इनका कल्याण है। इसलिए श्री परजन बाबा जब उनको 50 साल हो गए ना, उन्हें पांच बेटों को बुलाया, बोले देखो बच्चों अभी मेरे 50 साल हो गया, अभी एकावन होने जा रहा है और घर गृहस्थ में नहीं रहनी चाहिए, नहीं तो बहू आएगी चाबी काठी लेकर, चाबी फिर बहू के साथ में लड़ाई झगड़ा होगी घर में। इसलिए भैया लड़ाई होने से पहले घर से निकल जाओ, घर से निकल जाओ, वृंदावन में जाओ और भजन करो वहाँ पर, हैं भजन करो। अभी पांच बेटों को बुलाए, जब बुला करके बोले बड़े बेटे को मैं सिंहासन में बैठा करके मैं जाना चाहता हूँ भजन करने के लिए, लेकिन ये बड़ा बेटा बोला पिता यद्यपि मैं बड़ा बेटा हूँ, राजा बनने का योग्य मेरे अंदर में नहीं, ये नंद बन। अब नंद बाबा को राज सिंहासन में बैठा हूँ, सब खुश हो गए। क्यों? इनका नाम नंद, नंद मतलब क्या होता है? आनंददायक इति नंद, जो सबको जो आनंद प्रदान। अभी नंद बाबा को
सिंहासन में बैठाया, चार बच्चों का तो संतान, केवल नंद बाबा का घर में संतान नहीं, इसलिए उन्होंने दान पुण्य यज्ञ तीर्थाटन उन्होंने बहुत कुछ कर दिया। घर में एक लाला जन्म हो जाए क्यों, भविष्य में राज सिंहासन कौन संभाले। लेकिन जब किसी तरह से हुआ नहीं, एक दिन हम आपस में चर्चा कर रहे हैं, हमने सारे व्रत रखा है लेकिन अभी तक एक व्रत नहीं रखा, एकादशी व्रत नहीं रखा। कौन सा व्रत नहीं रखा? एकादशी व्रत को कहते कल्पतरु व्रत। कौन सा व्रत है ये बताओ? एकादशी व्रत कौन कौन नहीं करते हो? जो नहीं करते हो हाथ सही सही बताओ, कौन कौन नहीं करते हो? हाथ उठा, शर्माना नहीं, हाथ उठा, कौन कौन नहीं करते हो? हाथ उठा, कौन कौन नहीं करते? दो चार व्यक्ति नहीं करते, ठीक है। जो नहीं करते हो ना, कम से कम ब्रज से ये व्रत को लेकर के अपना घर में जाओ, ठीक है ना। अगली बार सब एकादशी। अभी जब उन्होंने देखा सारे व्रत रखा, लेकिन 26 एकादशी में एक एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी। पुत्रदा मतलब जिस व्रत रखने से घर में पुत्र की जन्म होती है। उन्होंने पुत्रदा एकादशी रखा, पहले व्रत निर्जला व्रत रखते थे। जिस दिन उन्होंने पुत्रदा एकादशी व्रत रखा, रात को जो सोए ना, ठीक ब्रह्म मुहूर्त में स्वप्न देखा। ब्रह्म मुहूर्त में अगर कोई स्वप्न देखो, कभी कभी वो स्वप्न सही होता है। देखो स्वप्न क्या है, बोले श्याम चंचल तारु दीर्घ नयन बाल स्तवांक स्थले पयोधार स्फूटमसौ क्रीडांग मयाम लोकते। नंद जसोदा दोनों स्वप्न देखे और नींद खुल गई। नींद खुल गई तो नंद बाबा बोले जसोदे मैंने एक बड़ा सुंदर स्वप्न देखा। स्वप्न नहीं, मेरे को लगा सचमुच से कोई बात सही है। बोले क्या देखे हो? बोले मैंने देखा जसोदा करी एक सुंदर बालक श्याम रंग का मेरे पीछे माँ 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 करते करते आ रहा है और कपड़ा पकड़ कर बोले मैया मेरे को गोद में ले ले, मैया मेरे को दूध पिला ले। वो मचल रहा था। नंद बाबा बोले मेरे स्वप्न देख लो, मैंने भी देखा। बोले क्या देखे? बोले मैंने देखा तुम्हारी गोद में एक सुंदर श्याम रंग का बालक पौड़ रहा है और दूध पान करते समय दोनों धार से दूध की धार बह रहा था। मेरे को स्वप्न नहीं लगा, सचमुच से तेरे गोद में लाला है। सचमुच से उसी रात को ही मैया जसोदा ने गर्भ धारण की। ब्रज में पूरा हल्ला हो गया, भैया नंद बाबा की मैया जसोदा की लाला होने वाला है। जितने ब्रज गोपियाँ थी ना, 6-6 महीना पहले 84-84 गज की लहंगा चुंदरी बना करके रखे। बोले नंद के लाला होगा तो सबके सब पहन करके हम बधाई देने जाएंगे। पूरा ब्रज में जय जयकार हो रहा है। क्यों? भगवान कृष्ण स्वयं जन्म लेने वाले ठाकुर जी। और नंद बाबा क्या क्या बहनी थी जिसका नाम सुनंदा, वो तो 6 महीना से पहले आकर घर में बैठ गए जोर जबरदस्ती। क्यों? बोले भाभी गर्भवती हुई, बच्चा होगा ना, 9 लाख हार मिलेगी मेरे को, 9 लाख की मेरे को हार मिलेगी। 6 महीना पहले से अगर घर काम काज वो कर रही थी, ऐसे लग रहा था मन आज रात को ही बालक की जन्म हो जाएगी। अरे गांव में 8 बजे तक जिंदगी जगे रहते, उसके बाद सो जाते हैं। बोले एक काम करो, 2 घंटा 2 घंटा की ड्यूटी लगवा दो, 8 से लेकर 10, 10 से लेकर 12। अभी 8 से 10 तक जिनको ड्यूटी लगाए वो लोग तो चिमटा और मजरा लेकर के बोले गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय राधा हरि गोविंद जय जय राधा हरि। अभी 10 से 12 बजे तक जिसको ड्यूटी लगाए ना, इतने में जोग माया सबको सुला दी। कहाँ चिमटा गिरी, कहाँ मजीरा, कहाँ ढोलकी, सब बेहोश होकर पड़े हुए। लेकिन इधर क्या हुआ, श्री जिस समय उन्होंने स्वप्न एक देखा, आकाश में एक बिजली जैसे एक चमक रही है, एक सुंदर लड़की और श्याम रंग का बालक, ये दो बालक नंद बाबा स्वप्न देखा, पहले मेरे हृदय में प्रवेश किया। अरे मेरी हृदय से, अरे मैया जसोदा की हृदय में अरे प्रवेश किया। उन्होंने ये स्वप्न भी देखा, इसलिए कुछ बड़ी बड़ी गोपियों ने मैया जसोदा से बोले जसोदे तुमने लगता है तेरे गर्भ में लाला होने वाला है। बोले पता कैसे चल रहा है? बोले तेरे जो होठ है ना पीला पीला दिख रहा है, पीला पीला होठ लगे ना, लगे लाला होने वाले हैं। किसी गोपी ने बोली बोले कुंवारी पढ़े में तुमने जूड़ में केले तो नहीं खा ली? बोले क्यों? बोले लगता है तेरे गर्भ में 2 बच्चे हैं, सचमुच से एक कृष्ण और एक जोग माया। भैया तो डर गई, पहला बार बच्चा अगर 2 बच्चे हो जाए। बोले चिंता मत कर, राम जो करो अच्छो करेगी, कोई चिंता मत करो। अभी पता नहीं श्री वसुदेव महाराज मथुरा से एक कृष्ण लेकर के आए, वहाँ से कृष्ण लाए। तब गोकुल में कृष्ण पहले जन्म हुए, फिर जोग माया जन्म हुई, फिर कृष्ण कितने हो गए, कितने कृष्ण हो गए? 2। फिर एक कृष्ण कहा गया, एक कृष्ण फिर कहाँ गया? ये शंकर जी
ये रुद्र जामले के ग्रंथ है, ये शंकर स्वयं कहते हैं। बोले शंकर जी कहते पार्वती मैंने अपना आंखों से देखा। बोले क्या देखा तुमने? बोले जसोदा नंद, श्लोक है, जसोदा नंद पत्नी च सुसुवाते समम तदा। स्वयं शंकर जी कह रहे हैं, बोले पार्वती मैं स्वयं देखा, मैया जसोदा ने दो लाला दो बच्चा जन्म दिया, पहले तो कृष्ण को, उसके बाद में जोग माया। फिर कहते भैया एक और ये कृष्ण कहाँ गया? बोले स्वर्गे सौता मिनी जथा, जैसे आकाश में बिजली चमकती है उसी तरह जो नंदनंदन जो कृष्ण था ना वो पूर्णतम कृष्ण, और मथुरा जो कृष्ण वो आए पूर्ण कृष्ण। ये पूर्ण कृष्ण को जो पूर्णतम कृष्ण दोनों एक साथ में मिल गए। लेकिन ये चीज वसुदेव महाराज समझ नहीं पाए, इन्होंने सोच रहे मैं तो लाला रख करके आया, इसलिए देखना नंद बाबा कहते मैंने भी मेरा भी लाला, वसुदेव महाराज किया कहते मेरे लाला देखो। और जो सबसे बड़ी प्रमाण, बच्चों माताओं में कौन कौन बच्चा जन्म दिया बताओ, हाथ उठाओ कौन कौन बच्चे जन्म दिए। हाँ देखो ये भागवत का प्रमाण, देखो नियम है, बच्चे का नाड़ी कटने से पहले जो दान की जाती है ना वो दान को सर्वश्रेष्ठ दान बताया गया। नाड़ी कटने से पहले दान होनी चाहिए। जब श्री नंद बाबा ने सुना है इतने में सबके सब सोए पड़े हुए थे, सबसे पहले सुनंदा की आँख खुली। बोले भैया सबके सब अचेतन होकर पड़े हुए। बोले भैया भाभी का हालत क्या है? दरवाजा खोल कर देखती है ना एक काल अश्याम सलोना से एक सुंदर बालक को पौर रहा है और किलकारी मारते हुए खेल रहा था वहाँ पर। बोले भैया किसको पता ही नहीं चला लाला की कब जन्म हो गई? ये सबसे पहला खबर श्री नंद बाबा को देनी चाहिए, फिर तो मेरे को नवला की हार मिलेगी। लेकिन नंद बाबा हे कहाँ ढूंढ रहे, तो ढूंढते ढूंढते देखा वो ब्रह्मांड घाट में माला जप कर रहे। वो माला जप नहीं हो रहा था, बोल रहे थे छोरा कब है वो, लाला कब है वो, छोरा कब है वो, छोरा कब, यही जप जप कर रहे थे। इतने में सुनंदा आकर के बोले भैया कमाल है गए हुए। इतना बोलते ही नंद बाबा तो छलांग लगा दियो। बोले बहन कहा भय हो सुनंदा कहती भैया ये बताओ पहले मेरे को मिलेगा क्या बताओ, उसको बाद में बताऊ। बोले ले नवला की हार तू ले ले, बताओ तो सही कहा भय है। बोले बाबा बात इतनी बड़ी बात है ना, जिसको सामने नवला का हार भी कछु नहीं कुछ भी नहीं। बोले क्या बोल रहे, नवला की हार है? बोले बाबा बात भी तो बहुत बड़ी है, और बता क्या दोगे? बोले जा जमुना किनारे में जितना गैया चर थे जितने जमीन जगह तेरे नाम पर लिखवा दिया, जा ले जा। बताओ तो कहा भयो तो बताओ। बोले बाबा ये जमीनी जगह तभी उसको सामने कुछ भी नहीं। बोले क्या बोल रहे हो, सारे जमीनी जगह दे दिया, बताओ और क्या? तो बोले ट्रेजरी का सारा चाबी गाड़ी तू पकड़ ले, जो इच्छा ले लेना, लेकिन बता तो सही घर में कहा भयो है। बोले भैया नंद बाबा तेरे घर में लाला भयो है। बोले श्री नंद के लाला की। नंद बाबा तो वहीं से दौड़ लगाए, देखो ये चीज कितना बड़ा प्रमाण है, नंद बाबा वहीं से दौड़ लगाए जब उन्होंने पहला बार लाला की मुख दर्शन किया। अपनी नाड़ी छेदन नहीं किया है, आपको बताए ना नाड़ी छेदन होती है कि नहीं, भैया के पेट से नाड़ रहती कि नहीं, कटती है, इसलिए उन्होंने नाड़ी छेदने से पहले उन्होंने संकल्प किया ब्राह्मण को बुला करके और ब्राह्मण संतों को और बुला करके मैं इनको नवलाख गया दान दूंगा और सात तिल का पर्वत ब्राह्मण संतों को मैं दान दूंगा नाड़ी छेदने से पहले। इसलिए गुरुदेव कहते थे देखो ये ब्रजवासी कभी भी नहीं मान सकते हैं कृष्ण मथुरा में जन्म हुए। बोले क्यों? बोले जिन माताओं ने देखना माताओं तो नाड़ी छेदन करती ना, अभी तो हॉस्पिटल में चली जाती, पहले माताएं नाड़ी छेदन करती थी। ब्रज गोपियां कहती हमने अपना आंखों से देखा, माँ की पेट से जन्म हुआ हमने स्वयं हम अपना हाथों से नाड़ी छेदन करी, तो कृष्ण कैसे नंदन किए, वसुदेव नंदन कैसे हो जाएगी? वसुदेव ये नंद नंदन है, ये नंद जसोदा नंदन है। अरे बोलो जो वसुदेव महाराज बोले हाँ उनका भी बालक हुआ है, लेकिन वो जो बालक है ना ये अंश रूप में, लेकिन जो पूर्ण रूप में जो कृष्ण हुए हैं ये गोकुल में। इसलिए क्या कहते हैं नंद के आनंद भयो, इसलिए कोई नहीं कहते वसुदेव का आनंद भयो। आनंद किसका भयो है? नंद का आनंद भयो है। क्यों? घर में बेटा ही नहीं जन्म हुई, उसको बाद में फिर इन्होंने नाड़ी छेदन की, फिर सारे ब्रज गोपियों को नौता देती हैं, सारे ब्रज गोपियां सज सज करके दूध दही मिश्री मक्खन लेकर के सबके सब पधारते कहाँ पर? गोकुल में पधारते हैं। और श्री नंद बाबा मैया जसोदा को बधाई देते हैं। देखो मैं बोलूँगा नंद जसोदा बधाई हो, आप लोग जोर से बोलना बधाई हो, बधाई हो। बोले नंद जसोदा बधाई हो। आनंद नहीं आया, देखो बधाई होती है हमारे प्रभु जी ने कितने मिठाई दे दिया। और जोर से बोलो, बोले नंद जसोदा बधाई हो। इसलिए
संत जसोदा बोले बधाई हो ब्रजवासियों, तुम लोगों को आशीर्वाद से ये बूढ़े और बूढ़ी उम्र में भी बड़े बूढ़ी और बूढ़े उम्र में भी लाला को मुख दर्शन करने को मिलो है। लाला मेरो नहीं, लाला तुम लोगों को लाला है। जितने ब्रजवासी है ना, कृष्ण को हृदय से आशीर्वाद दे रहे थे। क्या बोले थे? जुग जुग जियो रे जसोदा मैया, तेरो ललका। जुग जुग जियो रे जसोदा मैया, तेरो ललका। मैया तेरो ललना, मैया तेरो ललना, मैया तेरो ललना, मैया नहीं बैठ जाओ, एक मिनट बैठ जाओ। अभी तो हम जहाँ पर आए उनकी कथा नहीं सुने। देखो यहाँ पर कृष्ण जन्म होने पर ना राधा रानी प्रसन्न होती है, तो भाई भाई राधा रानी प्रसन्न होती है ना, इसलिए ये कृष्ण जन्म होती है। बचा बैठो बैठो भाई, बैठ जाओ बैठ जाओ। हाँ देखो राधा रानी, अभी राधा रानी का उत्सव होगी फिर उसमें गा लेंगे। बैठ जाओ ए प्रभु जी, श्याम बैठो। हाँ देखो राधा दादू बोले प्रसन्न बैठो। हाँ देखो राधा रानी कैसे यहाँ जन्म लेती है। देखो इधर सुनो, अक्सर करके लोगों को पूछो ना, राधा रानी कब कहाँ पर जन्म हुई, अब क्या बोलोगे बताओ? सारा दुनिया बोलेंगे बरसाना में, सारा दुनिया बोलेंगे बरसाना में। लेकिन फिर यहाँ पर क्या हुई, देखिए चीज को समझो। जो राधा रानी बरसाना में जो जन्म हुई, वो दूसरी कल्प में राधा रानी जन्म हुई, क्योंकि हर कल्प में ब्रह्मा का एक दिन में राधा और कृष्ण एक बार आते हैं, राधा और कृष्ण एक बार आते हैं, इसलिए दूसरी कल्प में राधा रानी बरसाना में जन्म हुई। लेकिन इसी कल्प अभी जो द्वापर युग हुई है, राधा रानी यहीं पर जन्म हुई, क्योंकि जो ब्रजवाहन महाराज नंद बाबा ये बड़े मित्र थे, आपस में बड़े मित्र था दोनों के बीच। जब कहीं जाते थे ना, वो ज़्यादा दूर नहीं रहा करते थे, पास पास में। जैसे पहले जैसे नंदगांव में जब नंद बाबा रहते थे, ब्रजवाहन महाराज कहाँ रहे? बरसाना में। जब उन्होंने इसको छोड़ करके फिर उन्होंने नंद बाबा कहाँ? गोकुल में आ गए। फिर इतने में श्री ब्रजवाहन कहाँ रहा? यहीं पर आ गए, क्योंकि गोकुल यहाँ पास में, वो पास पास में रहा करते थे, दूर दूर में नहीं रहते थे। यहीं पर ब्रजवाहन महाराज यहीं पर रहते। जो यमुना देखो, यमुना जो पास में ना, ये यमुना यहीं बह रही है, यहीं से प्राप्त किया है। इसलिए श्री राधा रानी कैसे जन्म हुई, देखो अमर रूप गोस्वामी बड़ी सुंदर कथा सुनाते हैं। कहते शंकर जी के साथ में जो शादी किसकी हुई? पार्वती। पार्वती का पिता कौन है बोलो? पार्वती का पिता कौन है? कौन है? हिमालय। पार्वती का पिता हिमालय, इसलिए अभी हिमालय का बेटी पार्वती। पार्वती की शादी किसको साथ में हुई? शंकर। शंकर जी कौन है? सत्यम शिवम सुंदरम। अभी जिसका दामाद अगर इतना बड़ा हो है, अगर इसका पिता अगर प्राइम मिनिस्टर हो जाए ना, नहीं तो राष्ट्रपति, देखना बात बात पर बोलेगी, जानते हो? भले ही बड़े दूर से संबंध होगा, बोले मेरे अमुक का अमुक का अमुक ना अमुक है मोदी, नहीं तो योगी, हाँ पता नहीं कहीं संबंध जोड़ लगे। इसलिए जिनका है, जिनका दामाद स्वयं सत्यम शिवम सुंदरम होगा, वो कितने प्रसन्न नहीं होगी। इसलिए बड़ा अभिमान, वो दूसरे दूसरे पर्वत को पास में कर जाकर बड़ा डी जानते थे, जानते हो बात बात में, जानते हो मेरे दामाद कौन है? बोले कौन? बोले सत्यम शिवम जोगी जोगी देवदेव। अभी सब जगह एक विंध्या चल रहा पर्वत, बड़ा उसको अभिमान आया, बोले इतना अभिमान, हाँ हर समय सबको पास में डी जाके। उसने कहा ठीक है, अभी तुमको दिखाता हूँ। उन्होंने ब्रह्मा जी को उपासना की। जब ब्रह्मा जी संतुष्ट हुए, बोले बताओ तुमको क्या वर चाहिए? बोले मेरे को ऐसे के दामाद चाहिए ना, जो शंकर जी से सुंदर हो, शंकर जी का पति हो, शंकर जी का इष्ट हो,
हर तरीका से शंकर से सर्वश्रेष्ठ हो, और मेरे दामाद का जो सेवक ही स्वयं शंकर होनी चाहिए। उन्होंने ऐसे ऐसे मेरे को एक दामाद चाहिए। ब्रह्मा जी तुम संतुष्ट आशीर्वाद दे दिए, बताओ दामाद कब होगा? पहले तो बेटी हो तभी तो दामाद होगी ना, पहले बेटी तो दामाद होगी, बेटी होनी चाहिए। लेकिन इस सब गुण से शंकर से सुंदर श्री कृष्ण है, सबसे सुंदर रूपवान गुणवान। और शंकर जी कौन है? बंद करो। शंकर जी कौन है? बोले शंकर जी वैष्णव नाम जथा संभो, भगवान के सबसे प्यारे भक्त श्री भोले बाबा है। इसलिए अभी बेटी हो तब तो दामाद होगा, लेकिन जो राधा रानी नित्य जो पुत्री है कृतिका मैया की, हाँ कृतिका सुंदरी कहते ना, कृतिका की बेटी कहते हैं। अभी कृतिका सुंदरी गर्भवती थी, जब गर्भवती थी ब्रह्मा जी जोग मैया को आदेश दिया, जोग मैया ने किया कि उन्होंने कृतिका सुंदरी से राधा रानी को निकाल कर ले गए। और जो चंद्रभानु महाराज इनकी पत्नी की गर्भ में चंद्रवाली थी, पास में उनके गाँव है, ये दोनों बच्चों को गर्भ से निकाल करके उन्होंने विंध्याचले की पत्नी की गर्भ में धारण कर दिया। जब धारण कर दिया उपयुक्त समय होने पर राधा और चंद्रावली दोनों बहन लगती है, दोनों उन्होंने जन्म हुए। जब जन्म हुए लेकिन इधर क्या हुआ, जिस समय श्री वसुदेव महाराज यहाँ पर कृष्ण को रख करके जोग माया को ले गए ना, इतने में कंस उसको प्यार पकड़ करके जो पछाड़ने के लिए गया, इतने में उसको एक ठोकर मारे और इतने में आकाश में उड़ गई और अष्टभुजा धारण करते हुए देखो क्या कहती है, बोले रे मूढ़ कंस तू मुझे क्या मारोगे, तेरे को मारने वाला तो अन्यत्र जन्म ले लिया। देखो ये क्या कह रही है, तेरे को मारने वाला कहाँ जन्म ले लिया, और कहीं जन्म ले लिया, वो भी सही बता दी, वो और कहीं जन्म ले लिया। शंकर जी ने देखा भैया ये तो मेरी कुलदेवी है, ये तो कभी झूठ बोल ही नहीं सकती, कुलदेवी मेरी ना, ये तो कभी झूठ बोलेगी नहीं। इतने में उन्होंने अपना सभा बुलाया, अघासुर बकासुर त्रिणावर्त सकटासुर पुतना को, बोले बताओ मुझे क्या करनी चाहिए। इतने में पुतना खड़ी हो गई, बोले चिंता क्यों करते हो, कहीं संतान जन्म होगा एक महीना अंदर में ना, बोले हाँ, बोले सबके मैं मार डालूंगी, मैं अपना मन मर्जी रूप ले सकता, बोले बहन जल्दी करो। इतने में पुतना सब जगह में जा करके बच्चों को मार रही थी, हल्ला हो गया, किसको घर में कोई बच्चा जिंदा नहीं रहते, क्या हो गया, कौन आकर कब मर जाती है। इतने में विंध्याचल पर्वत बड़ा चिंता में, भैया मेरे भी दो बेटी है, हो ना हो दोनों बेटी कभी चले नहीं जाए, सचमुच से पुतना कब आई और उनकी दो बेटी को पकड़ी और ले करके उड़ चली। जब उड़ चली विंध्याचल गई, हाँ इतने में पुतना डर करके क्या की, राधा रानी को तो यहीं छोड़ दी, थोड़ी दूर में ही चंद्रावली को उन्होंने वहीं पर छोड़ दिए। और वृषभ महाराज रोज इनका नित्य नियम था, जब जमुना यहीं पर बह रही थी तो सोच रहे थे घर में तो एक बेटा है, पता नहीं गर्भ में तो बेटी आई थी पता नहीं कहाँ चली गई। एक दिन ब्रह्म मुहूर्त में जब गए उन्होंने यमुना में उतरे, देखा है सततल कमल पुष्पों के ऊपर में बड़ी सुंदर एक कोमल एक छोटी सी बालिका किलकार मारते हुए और उनका शरीर का तेज से चतुर्थी को उद्भासित हो रहा था और पानी में बहते बहते आ रहे। फिर सुबह महाराज देव बड़े प्रसन्न हो गए और उन्हें पानी में उतरे और बेटी को उन्होंने गोद में ले लिया, श्रीमती राधा रानी की, और उन्हें ला करके श्री कृतिका सुंदरी को दिया, देखो ठाकुर जी हमारी इच्छा पूरी कर दी, देखो बेटी बेटी का इनकी है। मैया तो बड़ी प्रसन्न हो गई। अभी नारद जी ने देखा कृष्ण गोकुल में जन्म हुए, कृष्ण तो अकेले कभी आएंगे नहीं, वो तो अपना शक्ति को साथ में आएंगे। अभी नारद जी गली गलियों में ढूंढ रहे हैं किस घर घर में कहाँ पर राधा रानी, कहीं ललिता कहीं विशाखा कहीं कृष्ण का सखा लोग, लेकिन राधा रानी मिल नहीं रही। लेकिन जब भ्रमण करते करते यहीं पर आए ना, वृषभानु महाराज को पूछे घर में कोई संतान हुआ है, बोले हाँ, उन्होंने सिर्फ जहाँ भैया को दिखाए, बोले नहीं कोई बेटी भाई की नहीं, चुप हो बेटी हो, बेटी को जमुना से प्राप्त किए, बोले हाँ घर में एक बेटी भी भाई है, बोले लाओ, जब उन्होंने लाए ना नारद तो देखकर पहचानी के, बोले यही तो कृष्ण की लादनी शक्ति पराशक्ति स्वरूप शक्ति, यही तो श्री राधा रानी, इनको तो मैं गली गलियों में ढूंढ रहा था। अभी श्री नारद जी की इच्छा है थोड़ी सी राधा रानी को स्तुति करे, लेकिन उनको पिता माता क्या सोचते हैं, बोली तो मेरे लाडली लाली है, उनको तो पता नहीं है यही सर्वेश्वरी रमेश्वरी क्षमेश्वरी त्रिवेद भारतेश्वरी प्रमाण शासनेश्वरी रमेश्वरी क्षमेश्वरी श्री राधिके नमस्ते, यही सर्वशक्ति भगवान की लादिनी और पराशक्ति है। उनने बहाना बनाए, बोले थोड़ा फूल ले आओ, अब का बच्ची को थोड़ा मैं सोचती वासने करके आशीर्वाद दूंगा। जब उन्होंने अंदर में गई ना, झट राधा रानी किशोरी बन गई, ललिता विशाखा प्रकट हो गई। ललिता कह रहे हैं नारद जी क्या देख रहे हो,
जल्दी जल्दी स्तुति करो, नहीं तो राधा रानी अभी अभी अंतर ध्यान हो जाएगी। इतने में श्री नारद जी बोले, मुनिन्द्र बिंद बंदिते ब्रजेन्द्र भानु नंदिनी ब्रजेन्द्र सुनु संगति सदा करी सती हमा कृपा सदा। इतने राधा रानी बोली, पुनः तुम्हें गिरिराज गोवर्धन में गिरिराज तलट में फिर मैं तुम्हें दर्शन दूंगा। राधा रानी अंतर ध्यान हो गई, नारद जी प्रेम में गदगद हो गए और ऊपर ऊपर से पूरा स्वस्ति वाचन कर दिए। अभी श्री वृषभानंद महाराज पूरा ब्रज में विशेषकर नंद और जसोदा को नौटा दिए, मेरे घर में एक लाली भाई है, आओ दर्शन करो, उत्सव करेंगे। लेकिन राधा रानी जन्म से आंख बंद करके रखी, बोले क्यों? बोले सर्वप्रथम देखूंगी तो अपना प्रियतम श्री कृष्ण को देख करके फिर दुनिया को मैं देखूंगी। इतने में श्री कहते राधा रानी कृष्ण से 15 दिन छोटी है। कितना दिन? 15 दिन छोटी है। इसलिए जब श्री मैया जसोदा आई अपना लाडली लाल कृष्ण को भी लेकर के आई, और जिस पलंग के ऊपर में श्री किशोर जी लेटे हुई थी उन्होंने कृष्ण को लाकर पास में सुला दी। जब सुला दी ना, इतने में कृष्ण अपना हाथ व श्री राधा रानी के ऊपर रख दिए, और राधा रानी के ऊपर रखते ही राधा रानी के शरीर में स्वेद कंप अश्रु पुलक वैवर्ण अष्ट साथ के प्रेम प्रकट होने की लग गया। राधा रानी समझ गई मेरे प्रियतम तो सामने आ गए, मेरे लाला कन्हा सामने आ गए। इतने में राधा रानी आँख खोल दी, जब आँख खोलना सामने किसको देखी? श्री कृष्ण को देखे। वृषभानु महाराज तो मन में तो आनंद था लेकिन थोड़ा दुखी थे, पता नहीं बच्ची जन्म से ही आँख बंद करके मानो अंदर अंदर में कुछ सोच रही है। लेकिन जब राधा रानी देखा आँख खोल दिए ना, वृषभानु महाराज इतने प्रसन्न हुए, बड़े धूमधाम से उन्होंने श्री राधा रानी की जन्म उत्सव मनाए। हाँ, श्री राधा रानी की श्री जन्म उत्सव मनाते हैं। बोले राधा जन्म सुनी आई रे मैया दे दो I'm gonna go to the hospital.
पेड़ जैसे खड़ी हुई हाँ और बोले हरी बोल हरी बोल हरी बोल हरी बोल हरी बोल कल हमने ऑटो किया था 10-10 रुपए सवारी देना, कोई 20 रुपए मत देना। कल भी हमने 10-10 रुपए में किया था, कई लोगों ने 20 रुपए दे दिए, जो सेठ लोग हैं उन्होंने 20-20 रुपए दे दिए। अच्छी बात है, हम लोग गरीब है, 10-10 रुपए देना। ब्रजवासियों को 20 रुपया मिल गया। हरे कृष्ण।